क्या वफात के बाद ये मसला है, क्या वफात के बाद मियां बीवी एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे को छू सकते हैं? जवाब ये है कि जब शोहर फौत हो जाए तो बीवी उसको देख भी सकती है, उसको कपड़े से कपड़े के ऊपर से भी छू सकती है और कपड़े के बगैर वाले जो जिस्म है उसको भी छू सकती है और वक्त ज़रूरत उसको गुस्ल भी दे सकती है उसकी मैयत। लेकिन अगर औरत फौत हो जाए तो ऐसी सूरत में मर्द उसको देख तो सकता है लेकिन बगैर कपड़े वाली जगह पे हाथ रख के छू नहीं सकता और गुस्ल तो बिल्कुल नहीं दे सकता। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल पैदा हो गया कि हज़रत अली सलाम ने फातिमा सलाम के गुस्ल जो मसला आता है कि उन्होंने गुस्ल दिया, तो उसके कई जवाब हैं। उसका एक जवाब तो ये है कि ये सवाल किया था उनसे अब्दुल्ला बिन मसलम ने गालिबा, तो उन्होंने यही कहा था कि आपने ये नहीं सुना कि आप इस्लाम का फरमान कि फातिमा आपकी दुनिया में भी बीवी और आखिरत में भी बीवी, और ये कि सारे रिश्ते नाते टूट जाएंगे लेकिन मेरा दामादी और ससुराली रिश्ता कभी ख़त्म हो सकता नहीं है, क़यामत वाले दिन तो ये तो कायम रहेंगे, मौत के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं ख़त्म होने का। दूसरी जो ज्यादा मशहूर वजह है वो ये है कि हज़रत अली सलाम गुस्ल में शरीक नहीं हुए थे, गुस्ल के इंतजाम में शरीक हुए थे, पानी गर्म करना, उसमें बेरी शरी के पत्ते जो भी डालना है जो चीज़ें हैं, तो जो उसके इंतजाम होते हैं ना बाहर के खर्ची को इंतजाम में शामिल हुए थे, बाकी गुस्ल देने वाली वो औरतें ही थी, वो उसमें शरीक नहीं हुए थे। बहरहाल अल्लाह पाक हमें सही मानों में समझने की अमल करने की तौफीक अता करे।